आज हम करेंगे बेसन के लड्डू। इसके लिए लगने वाली सामग्री है 3 कप मोटा बेसन, 1 कप तगार, 3/4 कप घी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/2 कप चॉप ड्राई फ्रूट्स। हाई फ्लेम पर कढ़ाई रखकर उसमें घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम लो करके बेसन ऐड करेंगे। लगातार चलाते हुए बेसन को रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास मोटा बेसन ना हो तो आप 2.5 कप बेसन और 1/2 कप बारीक सूजी ले सकते हैं। सूजी को अलग से थोड़े घी में रोस्ट करना होगा, उससे लड्डू दानेदार बनेंगे। बेसन अभी सूखा लग रहा है, जैसे जैसे बेसन रोस्ट होगा वैसे ही वो घी छोड़ने लगेगा। बेसन को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। बेसन को रोस्ट करने के लिए लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं। पच्चीस मिनट हो चुके हैं, बेसन अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसमें थोड़े पानी के छींटे मारेंगे, इससे बेसन फूलने लगेगा और दाने दाने बनने लगेंगे। हम डाला हुआ पानी पूरी तरह उड़ने तक रोस्ट करेंगे। तगार की जगह पर आप पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। तगार से लड्डू बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे। अगर आपको तगार की रेसिपी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। गैस बंद करेंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके मिक्स करेंगे। गैस बंद करने के बाद भी कुकिंग प्रोसेस चालू रहती है, इसलिए 2 मिनट लगातार चलाते रहेंगे। बैटर को दूसरे बर्तन में निकाल कर ठंडा होने रखेंगे। बैटर पूरी तरह ठंडा हो चुका है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके तगार और इलायची पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। अपने स्वादानुसार आप तगार कम या ज्यादा ले सकते हैं। तगार अच्छे से मिक्स हो चुकी है, मिश्रण रेडी है, लड्डू बना लेते हैं। बैटर पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही तगार डालें, वरना हीट से तगार मेल्ट होगी। बेसन का लड्डू रेडी है। इसी तरह से बाकी के लड्डू बना लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।